हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर आसान क्लासेस। आज हम लोग प्रश्न वाले 9.1 के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे, जिसकी मदद से सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो उस इंट्रोडक्शन पार्ट को अगर आप समझते हैं, अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं, तो प्रश्न वाले 9.1 के सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक से बनेंगे। तो आइए इस ट्रिक को समझते हैं। तो यहां पर ट्रिक को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, जो कि एग्जाम्पल मेरा खुद का होगा, लेकिन सारा क्वेश्चन उस क्वेश्चन से अटैच होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन बताऊंगा आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही जाके पूरा लिंक हो जाएगा। आइए समझते हैं क्या है एग्जांपल। एग्जांपल में हमारे प्यारे दोस्त ये है कि हमारे पास मान लीजिए एक भवन है, जिसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई है मान लो 2 मीटर। कितना है सर? 2 मीटर। और एक बालक अपनी आंख से भवन के शिखर को देख रहा है, भवन को शिखर के देख रहा है, और उसकी आंख से ये जो जमीन है उस तक 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण का अर्थ क्या होता है? उन्नयन कोण का अर्थ होता है बालक नीचे से ऊपर की ओर देखना, मतलब उन्नयन कोण। 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो बालक है, बालक जो है इस भवन से कितनी दूरी पे खड़ा है, मतलब ये दूरी ज्ञात करना है, यहां से यहां तक की दूरी। सबसे पहले मैं इसका नाम लिख देता हूं ए बी सी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये है समकोण त्रिभुज, तो यहां पे 90 डिग्री होगा, और 90 के सामने वाली जो भुजा होती है ए सी, ये होती है आपका कर्ण। क्या होती है सर? कर्ण होती है। तो चलिए यहां पे हम लोग ये बीसी भुजा को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये ट्रिक अब समझिए। तो ट्रिक या टेक्निक क्या कहता है समझना है। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि आप जानते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या में कंपलसरी है कि अंश और हर होता है, ठीक है। बस अभी आप सिंपल सा ये जाने कि अंश बटे हर, जिसमें हर कभी भी जीरो नहीं होता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो परिमेय संख्या अंश और हर से बन गया। अब इस अंश और हर का क्या लेना देना है जरा समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, आपको निकालना है बी सी, दिया है ए बी। तो एक काम करना है, जो दिया है और जो निकालना है, जो दिया है जो निकालना है, जो दिया है जो निकालना, बस रिश्ता नहीं का है। तो दिया है ए बी, निकालना है बी सी। जो दिया है उसको अंश में, जो निकालना है उसको नीचे। एक बच्चे ने पूछा कि अगर बी सी को मैं अंश में, ए बी को मैं हर में अगर लिख दो तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो भाई ए बी को मैं अंश में, बी सी को मैं हर में लिख देता हूं। तो भाई यहां पे आ जाओ, ए बी दिया हुआ है और बी सी मुझे निकालना है, ठीक। अब जरा बताओ, ये हमारा है थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, नीचे वाला हो जाएगा हमारा आधार। तो जरा बताओ देख करके, ए बी, ए बी क्या है भाई? ए से बी हमारा लंब है, मतलब पी, और बी से सी क्या है हमारा भाई? आधार है, तो ये हमारा बी। और पी बटे बी कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है याद करो, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि पी बटे बी आपका होता है टेन। और यहां पे थीटा कितना है भाई? तो थीटा है हमारा 30 डिग्री। तो यहां पे 30 डिग्री लिख दो भाई। ए बी का मान फटक से बैठा दो, 2 मीटर भाई। बी सी, बी सी तो मुझे निकालना है, यही तो मेन था ही निकालना, बी सी। और टेन 30 का मान कितना होता है? तो 1/√3, 1/√3। अब इसको क्रॉस गुना करो तो भाई, तो बी सी को 1 से गुना करेंगे तो बी सी 1 बी सी, 2 को √3 से गुना करेंगे तो 2 गुने हो जाएगा √3, और बी सी हमारा निकल गया 2√3 मीटर। यही तो, ऐसे तो क्वेश्चन तो सब निकालना है। एक बच्चे ने हंसते मुस्कुराते बोल दिया, आप तो सर बी सी यहां से यहां निकाल दिए 2√3 मीटर। अगर मैं आपको कहूं सर ए से सी भुजा निकालो, तो क्या आप कर्ण बता सकते? बिल्कुल इसी टेक्निक से हम बता सकते इसको। तो जरा बताइए कैसे निकालेंगे। तो आइए समझाते हैं इसको भी। अभी मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या अंश बटे हर में होता है। तो सबसे पहले जो दिया है ए बी उसको ऊपर लिख लो, जो निकालना है उसको नीचे लिख लो। चलो आ जाओ, इसको मैं करता हूं। जो दिया है, क्या दिया है भाई? ए बी। निकालना क्या है हमको दोस्त? निकालना है हमारे प्यारे दोस्त ए सी। तो जरा बताओ,
ए बी क्या है भाई पी, तो यहां लिख लो पी। ए से सी क्या है हमारे दोस्त एच, तो एच। अब बताओ पी बटे एच क्या होता है, तो पी बटे एच होता है साइन। क्या होता है तो यहां लिख लो पी बटे एच साइन। थीटा का मान तो वही होगा 30 डिग्री। जरा बताना ए बी है 2 मीटर तो 2 हो जाएगा। एसी, एसी तो निकालना है, एसी को ऐसे ही लिख दो। साइन 30 का मान जरा याद करो 1/2 कितना होता है सर 1/2। अब तिरछा तिरछी क्रॉस गुना कर दो, एसी एकम क्या होगा एसी, और 2 दूना क्या होगा 4 मीटर। तो इस तरीके से हमने एसी की दूरी पता कर लिया 4 मीटर, और इसी ट्रिक के माध्यम से बीसी की भी दूरी निकाल लिया 2√3 मीटर। सिर्फ मुझे क्या पता था, सिर्फ मुझे एक भुजा की लंबाई पता था, और इस एक भुजा की लंबाई से लेकर इस ट्रिक के माध्यम से एसी और बीसी काफी इजी तरीके से निकाल दिया। और यही सेम कंसेप्ट आपका प्रश्नावली 9 के हर क्वेश्चन में लागू होगा। इसलिए भाई इस इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे समझना, कहीं डॉट हो रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।